हाय फ्रेंड, डी ब्लॉक्स की हमारी ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम आज आपको अंतिम खाते बनाने से पूर्व की जाने वाली प्रमुख समायोजन के बारे में बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो अंतिम खाते में बनाने से पूर्व की जाने एंट्री में पहले नंबर पर अंतिम स्कंध आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इससे आशय उस माल से है जो वर्ष के अंत में बिना प्रयोग हुए रह जाता है। अंतिम स्कंध का मूल्यांकन वास्तविक लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों जो दोनों में से कम हो उसी मूल्य पर किया जाना चाहिए। अंतिम स्कंध का मूल्यांकन करने के पश्चात लेखांकन पुस्तकों में निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाती है, जिन जर्नल एंट्रियां की जाती हैं। तो संबंधित वर्ष के अंतिम खाते बनाते समय स्कंध को व्यापार खाते में क्रेडिट की ओर दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति की ओर दिखाते हैं। दूसरा क्या होता है, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वर्ष के अंत में कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनका लाभ संबंधित वर्ष में प्राप्त कर लिया जाता है, किंतु उसका भुगतान अंतिम खाते बनाने की तिथि तक नहीं हो पाता है। ऐसे व्ययों को अदत्त व्यय कहते हैं। मतलब कि जिसका जिन खातों का एंट्री अंतिम खाते बनाने तक नहीं हो पाता है उनको अदत्त व्यय कहते हैं, जो पेड नहीं होते हैं, देय होते हैं। तो उस वर्ष का लाभ उतने ही रकम से बढ़ाया जाएगा। अदत्त व्यय खाता देखने में तो अव्यक्तिगत खाता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह एक व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनको हमें देना रहता है, यानी कि कोई भी शेष रहता है। तो ये अदत्त व्यय के अंदर आता है। पूर्वदत्त व्यय क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वे व्यय होते हैं जो चालू वर्ष में आगामी वर्ष के लिए भुगतान कर दिए जाते हैं और चालू वर्ष में उनकी पूर्ण उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं, अथवा प्रीपेड एक्सपेंसेस। उपार्जित आय, अलाउंस इनकम, एसोर्ड इनकम। कुछ आय इस प्रकार की होती हैं जो चालू वर्ष से संबंधित होती हैं, किंतु अंतिम खाते बनाते समय तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इसे उपार्जित आय कहते हैं। अनुपार्जित आय क्या होती है, यह वह आय जो अग्रिम में प्राप्त हो गई है और उसकी पूर्ण उपयोगिता अभी तक नहीं दी गई, अर्थात अनुपार्जित आय चालू वर्ष में संबंधित न होकर आगामी वर्ष से संबंधित होती है, अनुपार्जित आय कहलाती है। छठा क्या है, मूल्य ह्रास या अवक्षय, डिप्रिसिएशन। व्यापार में सहायता देने के लिए प्रत्येक व्यापारी के पास भवन, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ियां आदि स्थायी संपत्तियां होती हैं, जिनके मूल्य में निरंतर प्रयोग में आने के कारण कमी होती रहती है। इस कमी को मूल्य ह्रास या अवक्षय कहते हैं या कटौती कहते हैं। मतलब जो भी हमारी कैपिटल या संपत्तियां होती हैं वो जो चलन में आने से उनमें ह्रास होता है, कीमत में कमी होती है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। यदि अवक्षयण के संबंध में समायोजन प्रविष्टियां तलपट बनाने से पूर्व की जाए तो अवक्षयण की रकम संपत्तियों को का घटा हुआ मूल्य तटपल के डेबिट की ओर दिखाया जाता है। अवक्षयण या मूल्य ह्रास की रकम लाभ हानि खाते में डेबिट की ओर दिखाई जाएगी और
तलपट संपत्ति में दिखाए गए मूल्य पर आर्थिक चिट्ठा में लिखे जाएंगे। अगला क्या होता है? पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज क्या होता है? पूंजी पर ब्याज वो होता है जैसे व्यापार में, व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में जो धन लगाता है उससे उसकी पूंजी कहा जाता है। इस पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर ब्याज होता है, ठीक है। अगला क्या है? आहरण पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब व्यापार का स्थायी व्यापार से निजी व्यय के लिए कुछ रकम निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स कहते हैं। इस पर उसे जो ब्याज देना पड़ता है, यानी कि जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे आहरण पर ब्याज कहते हैं। अगला क्या है? अप्राप्त या अशोध ऋण, बैड डेट्स। उधार व्यापार की आत्मा है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में उधार विक्रय का महत्व काफी बढ़ गया है। इस कारण विक्रेता की रकम क्रेता के पास जमा रहती है, जिनको पाने का वह अधिकारी होता है, किंतु कभी कभी क्रेता इस रकम का भुगतान करने से इनकार कर देता है, तो यह रकम विक्रेता के लिए अशोध ऋण, अप्राप्त ऋण या डूबत ऋण कहलाती है। इसके लिए निम्न समायोजन प्रश्न भी किए जाते हैं। और लास्ट हेडिंग क्या है? अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋण संचय, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड डिबेंचर। दूरदर्शी व्यापारी के लिए आवश्यक है कि वह सभी संभाव्य हानि के लिए पहले से व्यवस्था कर ले। इसमें व्यापार में आर्थिक स्थिति दृढ़ रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर व्यापार में देनदारों पर अशोध तथा संदिग्ध ऋण के लिए एक निश्चित प्रतिशत में संचिति बनाई जाती है। इसके लिए निर्भित प्रविष्टि भी की जाती है। तो दोस्तों, ये हुआ आज का अंतिम खाते में बनाने से पूर्व किए जाने वाले प्रमुख समायोजन। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी क्लास में बस इतना ही। अगली क्लासेस में आपको कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारा चैनल आपको कैसा लगा? अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल से लेते रहें। थैंक्स फ्रेंड।